कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के अलग अलग इलाकों में यात्रा कर रहे हैं और मोदी सरकार के विकास पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में विकास को पागल तक कह दिया। राहुल की सूरत में जनसभा है, जिससे पहले सूरत के रिंग रोड इलाके में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास राहुल गांधी को बहुरूपिया बताते हुए एक बैनर लगाया गया है। सूरत के रिंग रोड इलाके में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास राहुल गांधी के खिलाफ एक बैनर लगाया गया है। ये बैनर किसने लगाया है इसका पता नहीं चल सका है, मगर इस बैनर में राहुल गांधी को बहुरूपिया बताते हुए लिखा है, 6 करोड़ गुजरातियों सावधान हो जाओ, बहुरूपिया आ रहा है। इस बैनर पर राहुल गांधी को मुस्लिम धर्म की टोपी पहने दिखाया गया है। साथ ही साइकिल पर एक युवक को दिखाया गया है जिसने कुत्ते को आगे बैठाया है। बैनर पर लिखा है कि ये सरदार का गुजरात है, इटली का पिज्जा नहीं, इसके 8 टुकड़े कर दोगे। राहुल गांधी द्वारा गुजरात की बेरोजगारी पर उठाए गए सवाल पर इस बैनर में लिखा है कि शायद राहुल गांधी को नहीं पता कि बाहरी राज्यों के कितने लोगों को गुजरात ने रोजगार दिया है। अब राजनीति में विकास पागल हो गया का मुकाबला शायद बहुरूपिया राहुल से देखने को मिले। NMF न्यूज की रिपोर्ट।